नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर झारखंड का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। झारखंड में ईडी के समन को लेकर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सातवीं बार समन जारी किया है। जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें नोटिस दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने हेमंत सोरेन को मन मुताबिक जगह और समय बताने को कहा है ताकि ईडी के अधिकारी जाकर उनसे पूछताछ कर सकें। ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजे गए नोटिस में ये भी लिखा है कि इस पत्र को समन के रूप में ही देखा जाए। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे पत्र में कहा है कि जमीन घोटाले मामले में उनका बयान दर्ज करना बेहद जरूरी है, लिहाजा मुख्यमंत्री अगले दो दिनों के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और ईडी उनकी मनमर्जी के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करने को तैयार है। ईडी इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 बार समन जारी कर चुकी है। ऐसे में सातवें समन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए, ये पूरे देश में एक शर्मनाक स्थिति है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जैसे एक पद पे, महत्वपूर्ण पद पे बैठा व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति लगातार सम्मन की अवहेलना कर रहा है, उससे खुद ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था के प्रति वो कितना सम्मान है और क्या सोचते हैं वो। सरकार के माननीय मुखिया मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से हर तरह की केंद्रीय एजेंसियों से प्रताड़ित करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, बार बार ये हो रहा है, इसके पीछे क्या नीति है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से अपनी जो कानूनी उनके जो सलाहकार हैं उनसे सलाह लेकर जो भी निर्णय लेंगे आगे। हम कानून का सम्मान करते हैं, आगे की जो भी रणनीति तय होगी वो तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर विचार करके हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के दिशा में कदम उठाएंगे।